रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बॉडमैस का रूल पढ़ेंगे। इट इज़ अ यूजफुल एक्रोनिम। एक्रोनिम कहते हैं मुखफ्फफ को, और यूजफुल ये एक निहायत ही मुफीद मुखफ्फफ है जो हमें रियाजी के सवालात हल करने में मदद देता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। तो आपको पता है कि ब्रैकेट जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसके मुताबिक ब्रैकेट को हल करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है ऑफ को, फिर तकसीम, फिर ज़रब, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन करनी चाहिए। आप इस रूल को सामने रख के जो भी सलूशन करेंगे प्रॉब्लम का वो बिल्कुल ठीक होगा। तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में भी सेल्फ डिसिप्लिन का रूल अपनाएं। ये एक जादू है जो आपके रास्ते की हर रुकावट को दूर कर देगा। आप वक्त का इंतज़ार ना करें कि अच्छा वक्त आएगा फिर आप अच्छे बनेंगे, बल्कि आज से ही शुरू कर दें। और जब कोई अच्छा काम करें तो अपने आप को शाबाश दें। आप कल के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आज से ही अपना किरदार उसके मुताबिक बनाना शुरू करें। रोज़ का काम रोज़ करें। आपका काम पढ़ना है, रूटीन बनाएं और नमाजों के साथ अपनी ज़िंदगी की रूटीन को जोड़ लें। फजर के वक्त उठें और रात को जल्दी सो जाएं। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। रब्बे कायनात से ताल्लुक़ जोड़ें। कोई भी चीज़ अल्लाह जब बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता करता है। वसाइल देना अल्लाह का काम है। अल्लाह की हदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, सीधे रस्ते पर लग जाएं। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू पढ़ना आती है, कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें और उसको सोच समझ कर पढ़ें। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं, मैथ प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने बॉड मैथ रूल सीखा, अब हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हम ये इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। 20-12 इज इक्वल टू 8 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर हमने डिवीजन परफॉर्म किया है तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो आप देखें कि बॉडमैस में हमने पहले ब्रैकेट रिमूव की, फिर हमने डिवीजन की और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की। अब हम नेक्स्ट जो है इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे। आप ये देखें कि ये है 3+2 ब्रैकेट क्लोज ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2×4। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने पहले ब्रैकेट रिमूव की तो 3+2 इज़ इक्वल टू 5, 5 है, और उसके बाद हमने ऑफ को रिमूव किया, 5 ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 20, 20 के बराबर है। फिर हमने डिवीजन परफॉर्म की, 20 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ गया। और सबसे एंड पे हमने मल्टीप्लिकेशन की, जब आप 10 को 4 से ज़रब देते हैं तो 40 जवाब आता है। तो अब आप ये देखें, बॉडमैस रूल है, उसके हमने अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 10+20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ब्रैकेट 8-5 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट रिमूव करनी है, बेशक वो इक्वेशन के एंड में आ रही है। तो हमने 8 में से 5 माइनस किया, हमारे पास 3 आ गया। अब हमने डिवीजन परफॉर्म करनी है तो हमने 5 को 20 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारे पास 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। और फिर अब हम एडिशन करेंगे तो 10+12 इज़ इक्वल टू 22। तो ये आप देखें कि हमने बॉडमैस रूल के मुताबिक सारे स्टेप फॉलो किए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।